नाग की पूजा करने की परंपरा सदियों से रही है इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग सांपों को भगवान का आभूषण मानते हैं हमारे देश में नागों के कई मशहूर मंदिर भी हैं इन्हीं मंदिरों में से एक उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है उज्जैन के महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर ही नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है मान्यताओं के अनुसार नागराज रक्षक स्वयं इस मंदिर में मौजूद है इस वजह से केवल नाग पंचमी के दिन मंदिर को खोलकर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है इसके साथ ही कई मायनों में नागचंद्रेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए खास है नागचंद्रेश्वर मंदिर में ग्यारहवीं शताब्दी की प्रतिमा मौजूद है जिसको लेकर दावा किया जाता है कि ऐसी प्रतिमा दुनिया में और कहीं नहीं है इस प्रतिमा को नेपाल से यहाँ लाया गया था नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु की जगह शंकर भगवान सांप के शैया पर विराजमान है मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है उस पर शिव जी गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सैया पर विराजित है पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्पराज तक्षक ने घोर तपस्या की थी सर्पराज की तपस्या से भगवान शंकर खुश हुए और सर्पों के राजा तक्षक नाग को वरदान के रूप में अमरत्व दिया उसके बाद से ही तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो इस वजह से सिर्फ नागपंचमी के दिन ही उनके मंदिर को खोला जाता है इस प्राचीन मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 1050 हज़ार ईस्वी के आसपास कराया था इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने साल सत्रह में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया था इस मंदिर में आने वाले भक्तों की यह लालसा होती है कि नागराज पर विराजे भगवान शंकर का एक बार दर्शन हो जाए नागपंचमी के दिन यहाँ लाखों भक्त आते हैं